अज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी दोस्तों, क्या हाल चाल? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप सलामत रहें। आप देख रहे हैं सियाल व्लॉग 786 और मैं हूँ आपका अपना होस्ट वसीम हैदर सियाल। और आज मैं शेरकोट शहर के किला यानी भेड़ पर मौजूद हूँ। तो आज शेरकोट के हवाले से आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले सबसे पहले तो मैं आपको शेरकोट शहर का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि ये आप बाइक साइड पे देख रहे हैं, शेरकोट शहर का बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। और हम इस वक्त मौजूद हैं शेरकोट के भेड़ के ऊपर। तो ये पूरा शेरकोट यहाँ से बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है और सूरज भी ग़ुरूब होने को है। तो आज हम इधर आए हैं और सोचा कि आप दोस्तों को यहाँ का विज़िट भी करवाते हैं और यहाँ की कुछ डिटेल भी देते हैं। शेरकोट ज़िला जंग की तहसील है और ज़िला जंग के जनूब की जानब 58 किलोमीटर दूर फासले पर है। और शेरकोट को एक जो रूहानी हैसियत हासिल है वो है हज़रत सखी सुल्तान बाहू के वालदैन का मज़ार भी इसी शेरकोट में है। तो इसी वजह से इसे माई बाप का शहर भी कहा जाता है। तो शेरकोट 500 किबल अज़मसी पुराना शहर है, बहुत बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल ये शहर है। और तहसील चौक से शेरकोट कैंट 20 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर पर एक बेस और रेलवे स्टेशन कायम किया गया है। शेरकोट कैंट वहाँ पर है, इसलिए शेरकोट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है शेरकोट कैंट और एक है शेरकोट सिटी। शेरकोट सिटी के मशरक की जानब शेरकोट कैंट है। तो इस हवाले से अगर बात करूं तो सिकंदर आज़म ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया था तो वो शेरकोट शहर में से गुज़र कर गया था। और शेरकोट शहर में बहुत बड़े जागीरदारों ने यहां पर हुकूमत भी की है। तो आपको मुख्तसरन बता रहा हूं, अगर इसकी तफसील में जाऊं तो इसकी तफसील तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको शार्ट और मुख्तसर इसकी तफसील बताऊंगा। शेरकोट शहर एक वक्त में सूबा भी रहा है। तो सूबा एक वक्त में, उसके बाद ये रियासत भी रहा है, मगर यहाँ की आवाम की बदकिस्मती से आज शेरकोट एक तहसील है। तहसील है मगर मुतद्दद बार इसको ज़िला बनाने की भी कोशिश की गई है मगर नाकाम रही है। ज़िला शेरकोट नहीं बन सका जो एक वक्त में सूबा होता था, मगर आज सिर्फ और सिर्फ तहसील बनकर रह गई है। यहाँ पर अवाम ने मुतद्दद बार कोशिश की, ज़िला हुकाम तक अपना मतालबा पहुँचाने के लिए कोशिश की है कि इस शेरकोट को ज़िला का दर्जा दिया जाए, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में फिर किसी दिन इस पर तफसीलन आपसे गुफ्तगू होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।